तो गाइस जय हिंद। और कैसे है, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी आया हूँ छठ पूजा मनाने के लिए, दिल्ली में हूँ अभी। और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत भव्य छठ पूजा मनाया जा रहा है और सबको मम्मी पापा का प्रणाम है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, फैमिली पहले मेरे इधर ही रहती थी, मैं इधर ही रखता था। एक छोटा सा पार्क है, इसी पार्क में मैं बच्चों को लेकर आता था। थोड़ा सा याद तो आ रहा है, लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और कहीं जाएगा मत। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ छठ मनाया जा रहा है दिल्ली में और मैं कहाँ पर हूँ। और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। हैप्पी छठ पूजा भाई, ये दोस्त मिल गया मेरा। और ब्लॉग में पक्का बने रहिएगा और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जो भी दोस्त हैं सारे मेरे मिले हुए हैं, पहले मैं इधर ही रहता था तो आया हूँ। मैं भी बोला मैं दिल्ली में था तो मैं बोला छठ पूजा मनाता हूँ। हैप्पी छठ पूजा भाई। और बढ़िया, चलो ठीक है, मैं आप छठ पूजा को आप लोग को दिखा रहा हूँ गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो गाइज, अब बस जा रहे हैं यहाँ जहाँ छठ पूजा मनाया जा रहा है। गेट से अंदर हम एंट्री हो रहे हैं, बहुत भव्य छठ पूजा हो रहा है। और हम यहीं पर रहते थे पहले और मेरी फैमिली भी यही रहती थी, बच्चों को पार्क घुमाने लाते थे, तो यही आप लोग को दिखा रहे हैं। अब अंदर एंट्री हो गए, बहुत अच्छा भव्य छठ पूजा मनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा है और यहाँ पर बहुत अच्छा है छठ पूजा मनाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देख लीजिए और चारों तरफ से कितना अच्छा है। आज इतने अच्छे छठ का आयोजन देख रहे हैं हम। मैं याद है हम एक गड्ढा खोद कर छठ मनाते थे, जब हमारे बीच आप लोगों की सेवा करने के लिए हमारे घाट का निर्माण कराया। आज इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है यह सब हमारे भाई मनीष सिंह जी का देन है। इसके लिए वो हमारे बीच अभी अभी पधार चुके हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग उनके मंच पे आने पे तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि गाइस जहाँ पर हम रेंट पे रहते थे वहाँ पर भी छठ पूजा मनाया जाता था। और यहाँ पर भी हम गेट देख रहे हैं, बहुत अच्छा सजाया हुआ था। हम भी गए थे, बुलाए थे वहाँ पे, तो मेरे को भी देखने को प्राप्त हुआ। मैं भी गया वहाँ, 500 का चंदा काटा। मैं भी बोला यार हम जहाँ रहते थे वहाँ पर देखने को मिल रहा है और कितना खुशी होता है। तो हमारे पूरे जितने भी पड़ोसी लोग थे छठ पूजा मना रहे और हमें यहीं पर रहता था और मुझे बहुत खुशी मिला और मेरे को भी छठ पूजा देखने को बहुत मौका मिला। और आप लोग देख सकते हैं ये मेरा दोस्त सब है और यहाँ पर छठ पूजा मनाया जा रहा है और ये हमारे सब पड़ोसी हैं। और इतना अच्छा लगा देख कर कि मत पूछो, बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर। इतना खुशी मिला कि मत पूछिए। और मेरे जो भी देखने का मौका मिला छठ पूजा, क्योंकि फैमिली मेरी गांव में है और हम भी थोड़ा सा दिल्ली में आए हुए थे, तो मैं बोला छठ पूजा हम भी देख लें। और मेरे पड़ोसी लोग हैं सब लोग छठ पूजा मना रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। इतना खुशी मिला कि मत पूछिए। और मुझे भी दिल में सुकून मिला कि चलो छठ पूजा मनाने का मौका मिला। सब है और इन्होंने चंदा काटा और मैं छठ पूजा का भगवान का पैर छुआ और फिर उसके बाद मैं चला गया। छोटे छोटे दोस्त भी थे मेरे, तो उन्होंने बोला अंकल मेरा भी ब्लॉग बना लीजिए। ये मेरे दोस्त हैं सब छोटे, ये भी मेरे पड़ोसी थे, तो उनके साथ भी ब्लॉग बना लिया। और फिर उसके बाद मैं भी अब यहाँ समाप्त हो गया छठ पूजा। लोग सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे थे, तो मैं बोला थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं और आप लोग को भी दिखा देते हैं। जो लोग छठी मैया की जय। हेलो गाइस जय हिंद। तो छठ पूजा समाप्त हो गया, बस हम लोग भी जा रहे हैं अपने ड्यूटी। तो मैं बोला आप लोग को दिखा देते हैं छठ पूजा और ड्यूटी, अब जा रहे हैं, अब क्या करें, ड्यूटी है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। सबको जय हिंद और सबको मम्मी पापा प्रणाम, सबको बाय बाय, हैप्पी छठ पूजा।